नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रेती के कट, मतलब कट के अनुसार रेती कितने प्रकार की होती हैं। साथियों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेती के दांतों को उसके फलक पर कट बनाकर बनाया जाता है। रेतियों में अलग अलग प्रकार के कट होते हैं, विभिन्न कट की रेतियों में विभिन्न उपयोग होते हैं। साथियों, तो मुख्यतः कट चार प्रकार के होते हैं, एकहरी कट मतलब सिंगल कट, दोहरी कट मतलब डबल कट, तीसरा है रेस्प कट, चौथा है बक्र कट। तो हम बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। यहाँ पे एकहरी कट मतलब सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल एकहरी कट रेती का फलक आर पार केवल एक ही दिशा में दांतों के कट की पंक्तियां बनी होती हैं। दांत केंद्र रेखा से 60 डिग्री कोण पर बनाए जाते हैं। इससे रेती के कट की चौड़ाई बराबर की चिप्पी काटी जा सकती है। इस कट वाली मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्यूमिनियम, तांबा, ब्रॉन्ज, तांबे को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं साथियों, यहाँ पे कि सिंगल कट फाइल के फेस मतलब ये जो चौड़ी पट्टी होती है, इसके आर पार केवल एक ही दिशा में दांते कटे हुए रहते हैं। और साथियों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो दांते हैं वो सेंटर रेखा से 60 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है। इससे रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जा सकती है। इस कट वाली रेती मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज तथा तांबा को काटने में उपयोगी होता है। मतलब इसमें याद करने वाला यही है कि जो सिंगल कट जो रेती होती है, इसका एंगल 60 डिग्री होता है और इसका जो यूज है वो मुलायम धातु को काटने के लिए या फाइल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि दोहरे कट वाली जो रेती होती है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, दोहरे कट वाली रेती की भांति एकहरे कट वाली रेती तेज़ी से स्टॉक को नहीं हटा पाती, लेकिन इसके सतह का परिष्करण काफ़ी अच्छा होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। दूसरा, हम यहाँ पे दोहरी कट वाली रेती, तो दोहरी कट वाली रेती यानी कि डबल कट फाइल, इसमें साथियों जो दांते होते हैं वो दोनों साइड से कटे रहते हैं, मतलब विकर्ण के रूप में इसमें दांते कटे हुए रहते हैं। इसमें लिखा भी है दोहरे कट की रेती में दांते की जो पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। दांतों की प्रथम पंक्ति को ओवर कट कहते हैं तथा ये 70 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जिसे 51 डिग्री पर बनाया जाता है तथा इसे अप कट कहा जाता है। इस प्रकार की रेतियाँ एकहरी कट वाली रेती की अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक को हटाती हैं। तो साथियों, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि दोहरी कट की जो रेती होती है, इसमें जो दांते बनाए जाते हैं या दांतों की जो लाइन डाली जाती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, इसमें दो लाइन होती हैं, दांतों की जो प्रथम पंक्ति होती है उसको ओवर कट कहते हैं और इसका जो कोण होता है वो 70 डिग्री होता है। ये देखो 70 डिग्री होता है और जो दूसरा जो होता है वो 51 डिग्री पर होता है और उसको हम अप कट कहते हैं। मतलब जो दूसरा कट होता है उसको अप कट कहते हैं और जो प्रथम कट होता है उसको ओवर कट कहते हैं, जिसका 70 डिग्री कोण होता है। और इस प्रकार की रेतियाँ एकहरी कट वाली रेती की अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक को हटाती हैं। तो ये बात याद रखने वाली है। अब तीसरे नंबर की फाइल है रेस्प कट रेती। तो इसमें हम साथियों, इसका जो चित्र है देखिए, इसमें नुकीले नुकीले से दांते निकले रहते हैं। तो रेस्प कट में अलग अलग तेज नुकीले दांत एक ही रेखा में बने होते हैं तथा यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने में उपयोगी होती है। ये रेतियाँ केवल अर्ध गोलाकार आकार में ही मिलती हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो इसका जो यूज है वो केवल मुलायम जो पदार्थ हैं,
मुलायम पदार्थ में भी मेटल नहीं है, लकड़ी और चमड़ा, इसको रेतना है तो रेस्प कट फाइल का यूज़ किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, लकड़ी को फाइल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हम रेस्प कट आंसर हमारा सही रहेगा। अब है यहाँ पे वक्राकार कट रेती, मतलब कर्व कट रेती। इस प्रकार की रेतियों में गहरी कर्तन क्रिया होती है तथा ये मुलायम धातु जैसे एल्यूमिनियम, टिन, तांबा, प्लास्टिक आदि को रेतने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो साथियों इसमें आप देख ही रहे होंगे, इसमें अगर डबल कट की हुई फाइल होती ना तो जो हार्ड धातु होते हैं उनको फाइल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सिंगल दांतों वाली या सिंगल रेखा वाली जितनी भी फाइलें हैं उनका सभी का यूज नरम धातु या फिर लेदर चमड़ा उनको ही रेतने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे है एक निश्चित प्रकार के कट वाली रेतियों का चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर होता है। ये गहरे कट की रेती मुलायम धातु को रेतने के लिए होती है। अब दोस्तों हम ग्रेड के अनुसार रेती कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो साथियों ग्रेड के अनुसार रेती हमारी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रफ़ फाइल, दूसरा होता है हमारा बास्टर्ड फाइल, तीसरा होता है सेकंड कट फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है, और चौथा होता है चिकनी रेती मतलब स्मूथ फाइल, और पांचवा है डेड स्मूथ फाइल अति चिकनी रेती। तो यहाँ पे सबसे पहले रफ़ फाइल का यूज़ हम बताएंगे साथियों। इसमें जो रफ़ फाइल होती है खुरदरी रेती मतलब का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। प्रमुखता मुलायम धातु ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में हटाना हो और मुलायम धातु का मटेरियल हटाना हो तो वहाँ पे रफ़ फाइल का यूज किया जाता है। अब हमारी है बास्टर्ड फाइल रेती ऐसी स्थितियों में प्रयुक्त की जाती है जहां भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना हो साथियों। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती, ये जो हार्ड मेटल है उसको भी ये मतलब हटा देता है और भारी मात्रा में हटा देता है। इसके बाद ये जो सेकंड कट फाइल है ये मतलब कठोर धातुओं के लिए बनाई गई है। सेकंड कट रेती का उपयोग धातुओं पर अच्छी फिनिश देने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए उत्तम होती है। यह जॉब को परिष्कृत साइज तक लाने के लिए उपयोग की जाती है। अब यहाँ पे परिष्कृत मतलब फिनिशिंग जो मतलब फिनिश जो होता है ना, मतलब एकदम जब जॉब बन जाता है तो फिनिशिंग स्टेज होती है उस तक लाने के लिए इस रेती का यूज किया जाता है। और साथ ही ये जो कठोर धातु होती हैं उनको भी फाइल करने के लिए यह उत्तम होती है। इसके बाद आती है हमारी चिकनी रेती है मतलब स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल के नाम से पता चल रहा है कि इस रेती का उपयोग हमेशा फिनिशिंग के लिए किया जाता है। चिकनी रेती फाइल का उपयोग कम मात्रा में पदार्थ को हटाने तथा अच्छा परिष्करण देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये रेती चिकनी कैसे हो गई, इसमें जो दांतों की जो संख्या है ना वो 1 इंच में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो दांते हैं बहुत नज़दीक हो जाते हैं, इससे ये फाइल मटेरियल कम हटाती है और फिनिशिंग अच्छी देती है। ऐसे ही इसके बाद हम डेड स्मूथ जो रहती है इसमें भी साथियों जो दांते होते हैं वो बहुत ही मतलब कम दूरी पे रहते हैं जिससे इसका जो फिनिशिंग करने की जो काम है ये बहुत अच्छे से फिनिश करती है ये रेती। इसके बाद इसमें लिखा है अधिकांश उपयोग की जाने वाली रेती बास्टर्ड, सेकंड कट, चिकनी तथा अति चिकनी रेती है। इन ग्रेडों की संस्तुति ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा की गई है। एक ही ग्रेड की विभिन्न साइज की रेतियों में दांतों के साइज अलग अलग होते हैं, लंबी रेती में दांत मोटे होते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।